एक क्वेश्चन आता है कि ये जो संकुल है NiCl4 वाला जो संकुल है वो तो अनुचुंबकीय है, और NiCN मतलब साइनाइड वाला जो संकुल है निकल का वो प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों? तो देखें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, इससे चार, इससे भी कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितने, चार। तो इट मीन्स दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, चार। जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर चार हो तो दो कंडीशन होती है कि संकरण कौन कौन से होंगे, या तो होगा sp3 और या फिर होगा dsp2। बात कर रहे हैं हम 3d सीरीज़ के एलिमेंट्स के। तो अगर sp3 संकरण किस कंडीशन में होगा, जब किसी सेंट्रल आयन से वीक लिगेंड जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, वीक लिगेंड। और जब dsp2 होगा तो किस कंडीशन में होता है, जब उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा होता है। जब वीक लिगेंड जुड़ा होता है तो वो पैरिंग नहीं कर पाता है, पैरिंग की जो प्रोसेस है वो नहीं होती, पर जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है जब वो जुड़ा होता है तो उससे पैरिंग की प्रोसेस होती है। तो वन बाय वन हम इन दोनों को देखते हैं कि किस तरह से ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय। तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड हम बात करेंगे NiCl4-2 की, और इधर बात करेंगे हम NiCN4-2 की। अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निकालें तो X प्लस एक क्लोरीन की -1 है तो 4 की क्या होगी, -1 × 4 = -2। तो यहाँ X की वैल्यू निकालें तो X की वैल्यू आती है अपने पास +2। इधर भी X प्लस साइनाइड की -1 = 4 है तो सेम आएगी, यानी निकल यहाँ दोनों में +2 कंडीशंस में है। निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +2। अगर निकल का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो आता है 3d8 और 4s2। अब निकल के अंदर से दो इलेक्ट्रॉन चले गए, +2 कंडीशन हो गई, तो निकल हो गया +2। फोर एस वैकेंट हो गया, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, निकल +2 में। फोर एस टू कंप्लीट वैकेंट हो जाएगा। निकल के साथ यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है या क्लोरो लिगेंड जुड़ा हुआ है, वो एक वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड होने के कारण वो उसकी पैरिंग नहीं कर पाएगा, पैरिंग नहीं कर पाएगा तो ये क्लोरो ग्रुप क्लोरो लिगेंड कैसे जुड़ेगा, एक तो 4s और आगे इसके 4p होगा उससे जुड़ेगा, तो इसका s और इसके 3p, तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम जब इस फॉर्मूले में रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण आएगा, चुंबकीय आघूर्ण आएगा, इट मीन्स ये किस प्रकृति का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। sp3 संकरण होने के कारण इसकी आकृति कैसी होगी, इसकी आकृति चतुष्फलकीय प्रकार की होगी, चतुष्फलकीय आकृति होगी। अब बात करते हैं इस वाले संकुल की, इस वाले संकुल में देखें तो इससे जुड़ा हुआ लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो इसकी क्या कर देगा, पैरिंग कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आएगा, पैरिंग करने से ये बॉक्स खाली हो गया, देन 4s वाला खाली है, देन p वाले, तो एक d एक s और दो p, तो संकरण कौन सा होगा, dsp2। चूँकि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है इसके कारण ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा, म्यू इसका क्या होगा, 0 होगा, और अगर आकृति की बात करें तो वृगाकार समतुल्य आकृति होगी। यही कारण है कि ये संकुल तो अनुचुंबकीय है जबकि साइनाइड वाला संकुल प्रतिचुंबकीय है।